We dated for a year, and after that, he said, "I'm gay." Welcome to another episode of Really Honest, जहां मैं अगले 20 मिनट तक brutally honest रहने वाला हूं, no matter how you feel about it. So today's topic is really dumb reasons to break up with your girlfriend and boyfriend. इससे पहले कि मैं किसी और की कहानी सुनाऊं, मैं अपनी ही एक कहानी सुनाने वाला हूं about a really dumb reason why I broke up with my girlfriend. So ये कहानी है ninth class की, जब मेरे सारे दोस्तों की बंदी बन रही थी, I mean girlfriend बन रही थी. किसी के पास uh, श्रेया थी किसी के पास प्रिया थी किसी के पास एंजल प्रिया थी आई नो एंजल प्रिया वाले का चूतिया कट रहा था बट स्टिल एट दैट पॉइंट मुझे लगता था कि सबकी बंदी है सिवाय मेरे सो वट आई डिड आई थॉट अब मुझे भी गर्लफ्रेंड बनाने की जरूरत है सो so, मैंने क्या करा कि एक दिन सारे दोस्तों को बिठाया गर्ल्स वॉशरूम के मतलब गर्ल्स वॉशरूम के पास भाई मतलब गर्ल्स वॉशरूम के अंदर नहीं दिख रहे थे गर्ल्स वॉशरूम के पास सबको बिठाया और भाई बहुत गलत साउंड कर रहा है यार मतलब गर्ल्स वॉशरूम के पास ही ना हमारा वो प्ले था तो होता क्या था कि सारी लड़कियों को बिल्डिंग के अंदर रखा जाता था और सारे लड़कों को बिल्डिंग के बाहर ताकि हम लोग रिलेशनशिप में ना आ सके सम्मिलित ना हो सके यू नो तो मैंने देखा कि सेक्शन डी से एक लड़की आ रही है और उसे देख के मैंने बोल दिया कि भाई इसी को पटाऊंगा सबने बोला ओके ब्रो गो फॉर इट तो भाई मैं पढ़ गया उसके पीछे सो अपिल दैट पॉइंट आई हैड जीरो इंटरेक्शन विथ एनी गर्ल बिकॉज मम्मी पापा ने बोल रखा था कि लड़कियों से दूर रहना है तो अब उन्होंने बोला तो मानना पड़ेगा सो so, किसी से भी बात नहीं करा कभी स्कूल में ऊपर से साला टीचर्स ने इतना टॉर्चर कर रखा था कि भाई पनिशमेंट देने के लिए हाथ ऊपर नहीं कराते घुटने पे नहीं बिठाते लड़की के बगल में बिठा देते और ऐसा फील करवाते कि हाँ तू गलत किया है तू लड़की के बगल में बैठ यही तरह लिए टॉर्चर है तो भाई हमारे दिमाग में फीड हो गया कि नहीं भाई लड़की के बगल में बैठना उससे बात करना मतलब कि भैया बहुत बुरा काम कर रहे हो तुम सो कुछ पता नहीं मुझे ना उसका नाम पता ना उसका घर पता बस उसका क्लास पता था और उसका सेक्शन और क्योंकि आज तक मुझे लड़कियों से बात करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो भैया ये तो भूल ही जाओ कि लड़की पटाने का एक्सपीरियंस हो सो वॉट आई डिड इज़ वॉट एवरी किड डिड एट दैट टाइम मैं लड़की को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया क्लास ख़त्म उससे बात करने जाता हिम्मत नहीं होती क्योंकि भैया फटी पटी रहती थी बात हुआ नहीं वापस घर भाग गया अगले दिन फिर गया ट्राई करने बात हुआ नहीं घर भाग गया तीसरे दिन मैंने हिम्मत जुटाया और जब वो बस से जा रही थी तो मैं दीदी की स्कूटी से पीछे फॉलो करना स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे उसके घर पहुंचा घर पहुंच गया उस टाइम पे एंडी ग्रामर के गाने सुना करता था कान में ईयरफोन डाल के क्योंकि दिल में भाई प्यार जगाना था उम्मीद जगाना था थोड़ा हार्ट ब्रेक वाला फीलिंग रहे थोड़ा सा प्यार वाला फीलिंग रहे तब ना भाई फील हुआ कि हाँ क्या प्यार होता है क्योंकि भैया प्यार का तो मतलब पता है नहीं बच्चे को उसे जबरदस्ती खुद को फील कराना है कि हाँ मुझे प्यार हुआ है मुझे प्यार हुआ है मुझे प्यार हुआ है सो so, मैं अपने आप को फील करा रहा था एंडी ग्रामर के गाने सुन सुन के कौन सा गाना था वो याद नहीं आ रहा है बट एंडी ग्रामर का था अब क्या हुआ कि उसके घर तो पहुंच गया मतलब घर के बाहर ही स्कूटी खड़ा करके तीन घंटे वेट किया भाई तीन घंटे वेट करने के बाद वो ट्यूशन के लिए निकली मेरा नैन में मटक्कल से हुआ भाई बड़ा ही अच्छा फील हुआ एंडी ग्रामर का गाना अभी भी कान में बज रहा है पूरा भाई लव वाला सीन ऊपर उठे जा रहा है ऊपर उठे जा रहा है अब क्या हुआ कि उसको फॉलो करते करते मैं ट्यूशन ट्यूशन के पास मैंने उसका नाम सुन लिया और उसका नाम सुन के भैया मेरी ऐसी फटी ऐसी फटी कि वह भाग गया। आप ही बताओ कि भला कौन मां बाप अपने बच्चे का नाम बच्ची का नाम एक प्यारी सी सुंदर सी क्यूट सी सुशील सी लड़की का भानु प्रताप सिंह नाम रखता है भैया भानु प्रताप सिंह नाम के हमको लगा कि सलवार में से तलवार निकल जाएगा और हमको काट देगा इसलिए हम बोले नहीं बयालिक माफ कीजिए अब जैसी भी लड़की हो हमें हिम्मत ना है भानु अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो सॉरी मैं माफ़ी मांगता हूं उस टाइम तुम्हें फॉलो करने के लिए और बच्चों जो ये वीडियो देख रहे हो प्लीज डोंट डू दिस सो ये थी मेरी कहानी अब आगे की कहानी

अगर तू उसे चीट करते पकड़ लिया तो ये तेरी गलती है भाई तुझे उस पर भरोसा नहीं है तेरी गलती एक और है भाई कि शायद तू अपने करियर पे फोकस करने के लिए उसे टाइम नहीं दे पा रहा था शायद तू पैसा कमाने के लिए उसे अच्छा लाइफ देने के लिए जॉब पे जा रहा था अठारह घंटे की जॉब करने के बाद तू दस घंटा उसे टाइम क्यों नहीं दे रहा था भाई तेरी गलती है तू अगर उसे अटेंशन नहीं दे रहा है तू उसे अगर प्यार नहीं दे रहा है तू उसे टाइम नहीं दे रहा है तो भाई वो किसी और से उन सब चीजों के लिए उसके पीछे भागेगी ना दैट मीन्स कि तेरे रूममेट के पास टाइम था वो नल्ला बेरोजगार और रेड फ्लैग होगा इसलिए पट गई उससे तू करियर पे फोकस मत कर तू उस पर टाइम लगा समझा और जब तेरे पास पैसा नहीं होगा तो भी वो भागेगी और उस वक्त भी ये गलती तेरी होगी कि भाई तेरे पास पैसा नहीं है तू बेरोजगार है तू गरीब है बट वन थिंग दैट यू आर नॉट इज यू आर नॉट अ रेड फ्लैग शी इज बहुत गर्मी लग रही है भाई दो मिनट सांस लेने दो फिर बात करता हूं <laughs> हर्षित कुमार की गर्लफ्रेंड ने बोला माई डॉग डाइट आई मीन डिप्रेशन राइट नाउ आई नीड सम टाइम लेटर आई फाउंड ना मेरा पुराना याद ताजा हो रहा है भाई <laughs> मैं भी एक ऐसी ही लड़की के चक्कर में पड़ा था बहुत खराब सीन हुआ था ये कहानी कभी का और सुनाऊंगा बट 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 जो ये लड़कियां होती है ना इन्हें लगता है कि हमें ना पता ही नहीं है कि वो झूठ बोल रही है हमें पता ही नहीं है कि वो भाई किसी और के साथ डबल डेट कर रही है वी न्यू अबाउट दिस एंटायर टाइम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग बट हम लोग नहीं बोले भाई कि ठीक है शायद तू बदल जा शायद तू बदल जा ऑब्वियसली यहां से हम लोग थोड़ा भूसा भरा दिमाग लेके घूम रहे हैं बट शायद इसी को प्यार बोलते हैं बट बच्चों इसको प्यार नहीं बोलते हैं इसको बेवकूफ़ी बोलते हैं बट जब ये बेवकूफ़ी सर पे छाया रहता है ना तो लगता है कि हाँ यही प्यार है और उस टाइम पे ये सब ठीक लगता है तो भाई मतलब मेरी बहन अब तुमको बहन ही बोलेंगे तो बहनों अगर तुम लोग ऐसा कर रही हो ना और सोच रही हो कि नहीं सामने वाला लड़का तो बड़ा चूतिया इसको तो कुछ पता नहीं है सब पता है बस हम लोग ना थोड़े अच्छे दिल के हैं सोचते हैं कि शायद बदल जाओ शायद हमारा सच्चा प्यार दिख जाए बट नहीं दिखने वाला उन्हें तो जो भी ऐसे रिलेशनशिप में हो जिन्हें लग रहा है कि हां वो डबल डेट कर रही है तो भाई निकल जाओ देर आर अ लॉट ऑफ गुड गर्ल्स आउट देर कोई ना कोई मिल जाएगी वक्त आने पे मिल जाएगी डोंट सर्च फॉर लव डोंट लुक आउट फॉर लव यू विल फाइंड लव मैंने तो यही मंत्रा सीखा है अगर आप ढूंढने जाओगे तो भाई कचरा मिलेगा सो डोंट डू दिस जस्ट गेट आउट ड्रॉप अपने करियर पे फोकस कर अपने लाइफ पे फोकस कर अपनी फैमिली पे फोकस कर इन सब चीजों पे फोकस मत कर निकल जा वक्त है अभी श्रेया ने बोला है कि वी डेटेड फॉर अ एंड आफ्टर दैट ही सेड आई एम गे आर यू सीरियस तुझे पता ही नहीं है कि तू गे है कि तू क्या है एक साल किसी लड़की के साथ तू रिलेशनशिप में रहा तुझे पता ही नहीं है कि तू गे है मतलब एम नॉट बींग होमोफोबिक आई एम नॉट होमोफोबिक बट मुझे गे से प्रॉब्लम नहीं है मुझे एल जी बी टी क्यू कम्युनिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है बट मुझे प्रॉब्लम है ये वाना बी एल जी बी टी क्यू ये वाना बी गे वान बी लेसबियंस है आप लोग ही बोलते हो दैट वी आर बॉर्न लाइक दिस यू आर नॉट मेंटली इल तो भाई अगर मेंटली इल नहीं हो यू आर बॉर्न लाइक दिस धन आपको बचपन से पता होना चाहिए ना कि आप किससे अट्रैक्ट हो रहे हो किससे नहीं हो रहे चलो इतना मान लेते हैं कि बचपन में किसी को पता नहीं चलता है आप प्यूबर्टी हिट करते हो फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन चलो इतना सेवनटीन तक मानते हैं सेवनटीन तक आपको इतना तो पता चलेगा कि आप किससे अट्रैक्ट हो रहे हो अगर नहीं भी पता चल रहा है, चलो आपके घर वालों ने आपको बचपन से दिमाग में फीड कर दिया है कि तू लड़का है तो रोएगा नहीं तू लड़की है तू रो सकती है तू खाना बनाएगी तू लड़का है तू बंदूक से खेलेगा तू डॉल से नहीं खेलेगा तो चलो ठीक है इतना तुम्हारे दिमाग में डाल दिया गया इतना सब में डाला जाता है हर किसी के घर में डालना भी चाहिए मेरा मानना यह है कि डालना भी चाहिए प्रेशराइज मत करो बट डालो कि हां बेटा देखो ऐसा करना चाहिए मैं ये नहीं बोल रहा कि लड़कियों से खाना बनवाओ किचन में घुसा के बट भाई तुम लोग फिर गलत समझ लोगे देख मेरा दिमाग में ना भाई एक साथ पचास चीज चलता है और मैं बोल देता हूं सो so, मुद्दा ये था कि आपको बचपन में घर वालों ने रोक दिया ठीक है स्कूल में टीचर्स ने थोड़ा मनीपुलेट कर दिया ठीक है बट आप जब अकेले हो अकेले हो बचपन से ही

एडमायर कर रहा है कि हां भाई क्या बंदा है क्या काम करता है उसका काम मुझे पसंद आ रहा है दीपिका पाडुकोन मुझे पसंद आ रही है भाई यू गेट आई एम ट्राइंग टू से तुम्हें पता कैसे नहीं है ऑब्वियसली तुम्हें पता है यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग कि तुम्हें पता नहीं है आजकल ये भाई फॉरेन कल्चर ने दिमाग का भाई भरोसा उड़ा दिया है क्योंकि खुद तो वो लोग बर्बाद हो चुके हैं भाई पसीना आ रहा है मुझे इतना गुस्सा आ रहा है मुझे पसीना आ रहा है क्योंकि उन्होंने अपने जनरेशन को तो पूरा खराब कर दिया यंग जनरेशन को जो नहीं भी है एलजीबीटीक्यू वो जबरदस्ती घुसना चाह रहे हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू बी एक्सेप्टेड समवेयर अबे ओ भाई के बहन या बहन के भाई जो भी तू है भाई मतलब तुझे पता नहीं है कि तू क्या है तू तो एक साल रिलेशनशिप में रहा बंदी के साथ है उसे लव यू बोल रहा है उसके साथ बातचीत कर रहा है उसे फ्लर्ट कर रहा है सब कुछ कर रहा है तुझे तो पता ही नहीं है कि तू क्या है चल ठीक है अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैं होमोफोबिक हूं बट आई एम नॉट होमोफोबिक ओके अगर आपको लगता है स्टिल कि मैं मैं हूं तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता बट आई एम नॉट आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद एल जीबी क्यू कम्यूनिटी ओके आई हैव अ प्रॉब्लम विथ आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर माई जेंडर कम्युनिटी ओके मैं एक एग्जाम्पल देता हूं मेरा एक दोस्त है ठीक है था दोस्त था है जो भी बोलना है बोलो मुझे वो पसंद नहीं आता अब क्योंकि पूरे कॉलेज में वो लड़कियों पे लाइन मारता रहता भाई फ्लर्ट मारता रहता हर बंदी से उसे फ्लर्ट करना था कोई भी उसकी बंदी बन जाए उसके लिए वो तैयार था कि चल भाई तू मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जा तू मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जा बट देन उसे एक लड़की से प्यार हो गया ठीक है दोनों रहे एक साल रिलेशनशिप में उसके बाद हो गया भाई का बहुत गंदा वाला ब्रेकअप भाई का दिमाग हो गया खत्म पूरी तरह से उसके बाद मेरा भाई गया दिल्ली ठीक है दिल्ली में जाके नील पेंट्स लगाना चालू कर दिया फटे चिड़े कपड़े पहनना चालू कर दिए चलो ठीक है भाई वहां तक समझ रहा है कि चलो तुम्हारा फैशन सेंस बढ़ रहा है चलो आज के टाइम पे ये जेंजी फैशन है ओके चलेगा बट उसके बाद साले ने क्या किया अचानक से मेरे एक दूसरे फ्रेंड के घर पे गया और जाके उसको रात को क्या बोलता है कि भाई आई एम एक्सप्लोरिंग माई जेंडर मेरा दूसरा दोस्त डर के मारे पूरी रात सोया नहीं है जब तक वो सुबह को उस घर से निकल के गया नहीं अपने घर तब तक वो बेचारा सोया नहीं है डर के मारे भाई ये जेंडर एक्सप्लोर करना क्या होता है इतने साल जब तू लड़कियों पे लाइन मार रहा था लड़कियों को पटाना चाह रहा था लड़कियों से फ्लर्ट मार रहा था तुझे पता ही नहीं था इतना साल तक कुछ पता नहीं था कि तू क्या है आज तुझे पता चल रहा है कि यू आर समथिंग एल्स मे बी यू आर गे मे बी यू आर बाई मे बी यू आर समथिंग एल्स भाई क्या चल रहा है भाई आई नो आई नो मैं बहुत गलत तरीके से बात कर रहा हूं बट दिस इज इंपॉर्टेंट आई नो ये वीडियो किसी के मम्मी किसी के पापा किसी का बेटा किसी की बहन कोई भी देख सकता है अगर देख रहे हो तो अपने घर में ना एक चीज फिक्स करो कि भाई भले ही तुम गे हो बाई हो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा बीमारी अपने बच्चों में ना या अपने घर वालों में मत फैलने दो क्या एक्सप्लोर माई जेंडर भाई तू क्या है तुझे पता होगा एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं होती है एक्सप्लोर करने गया ना तो भाई तू ऊपर से तो मराएगा ही कहीं और से ही मरा जाएगा समझा तो प्लीज प्लीज आई एम सॉरी मैं इतने गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं बट आजकल के बच्चों को यह बात जानना बहुत जरूरी है लगता है मैं भावना में कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया भाई अगले अगले इंसान पे चलते हैं सो so, अगले नंबर पे है अमित यादव इन्होंने बोला है कि माय गर्लफ्रेंड यूज टू हिट मी व्हेन शी वाज एंग्री और एक दिन मैंने उसका हाथ पकड़ के रोक लिया एंड दैट्स वाई शी अप विथ मी भाई एक बात बताओ पहली बात उसे मारने क्यों दे रहे थे तुम मर्द हो औरत हो क्या हो मतलब नहीं है तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम पे हाथ नहीं उठा सकती तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम पे हाथ नहीं उठा सकता क्यों हाथ उठाना है रिस्पेक्ट नहीं है ऑब्वियसली नहीं है आजकल के लॉन्डो में रिस्पेक्ट ही नहीं है ये अपनी रिस्पेक्ट को ना भाई पहली गटर में डाल के आते हैं रिलेशनशिप में घुसने से पहले बिकॉज बचपन से किसी लड़की से बातचीत होती नहीं है इनकी कोई बंदी बनती नहीं है और जब बंदी बनती है तो ये बावले हो जाते हैं यहां से खत्म इन्हें कि भाई तू कुछ भी कर मैं तुझे यहां चढ़ा के रखूंगा कुछ भी कर ले तू मारेगी ठीक है कोई बात नहीं यहां बैठ तू भाई गाली देगी कोई बात नहीं यहां बैठ तू मुझे मेरे माँ बाप से अलग कर देगी कोई बात नहीं यहां बैठ जो करना है कर बस तू यहां बैठ बैठ ही रह और होता क्या है कि ये हर लड़की ऐसी नहीं होती है बट कुछ लड़कियां जिनसे ये हैंडल नहीं हो पाता है इतना ज्यादा लाड प्यार जिनको बचपन से डैडी इश्यूज होता है मॉमी इश्यूज होता है वो लोग इसको हैंडल नहीं कर पाती है इस प्यार मोहब्बत को और वो बावली हो जाती है लड़का अलग तरीके से बावला कि भाई मुझे इसको प्यार देना और लड़की अलग तरह से बावली कि भाई ये तो साला चीत गया है ये तो मुझे मिल गया अब इसको मैं खत्म कर दूंगी और ऐसे में ही ऐसी ही सिचुएशन वाले मोस्टली जितने मर्द हैं सुसाइड करते हैं लेटर ऑन अपनी रिलेशनशिप में या मैरिज में और दे गेट डिप्रेस्ड बिकॉज उन्हें बाउंड्री ही पता नहीं है कि भाई किस लेवल पे जाके एक बाउंड्री सेट कर देना है कि भाई दिस इज इट इससे ज्यादा नहीं भाई पहली बात तो तुझे उसे पहली ही थप्पड़ नहीं मारने देना चाहिए था फर्स्ट डे रोक लेता नहीं भी रोक पाया तो भाई क्या करे भाई हम मर्द के अंदर हम मर्दों के अंदर ना कुछ होता है कि चाह के बिना मार नहीं सकते हो कि चलो ठीक है उसने कर दिया ना लड़की है कर सकती है बचपन से ही हमारे दिमाग में फीड किया गया कि ठीक है लड़की है कर सकती है कोई ना गलती किया भाई तूने बट आगे से समझ ले और जो लोग नए नए रिलेशनशिप में आ रहे हो ना इन चीजों से बच के रहना बिकॉज आजकल हो रहा है आजकल लड़कियों को बैडी बनने का शौक है बैडी आई एम अ वेरी बैडी आई एम अ बैड बिच सो हर लड़की ऐसी नहीं होती है बट बी अवेयर पहली नज़र में तुम नहीं जान सकते हो कि कौन लड़की कैसी है सो यू हैव टू बी अवेयर लड़कियों से हेट मिलने वाला है क्या भाई बट आई थिंक लड़कियां भी ये बात समझेंगी बिकॉज दे नो जो लड़कियां ऐसी नहीं हैं वो जानेंगे कि हाँ कुछ और लड़कियाँ होती है जो कि ऐसी है और जो होंगी वो तो भाई कमेंट में गाली है पड़ नहीं ठीक है कोई ना सह लेंगे इफ मेरे गाली खाने से आपको मदद मिलती है देन इट्स ओके आई नो मैंने बहुत अपशब्द इस्तेमाल किए हैं आई नो मैंने बहुत हार्श लैंग्वेज यूज किया है आई नो मैंने कुछ कम्यूनिटीज के बारे में बात किया है बट आई विन ट्रूली ऑनेस्ट अबाउट इट अगर आपको बुरा लगा हो कुछ भी अभद्र लगा हो तो यू कैन फील फ्री टू कॉमेंट इट डाउन बिलो मैं आगे इन चीजों पे सुधार लाने की कोशिश करूंगा बट दिस सीरीज इज ऑल अबाउट बींग ऑनेस्ट नो मैटर हाउ यू फील अबाउट इट सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल यू इन द नेक्स्ट वन बाय बी सेफ